हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। तो जिसका इंतजार सबको सब बेसब्री से रहता है, वैसा आर्यभट्ट गणित चैलेंज आ चुका है 2023 के लिए। तो चलिए, इस चैलेंज में क्या क्या है और किस तरीके से कंडक्ट होगा, कितना फीस है, किस तरीके से आप कर पाएंगे, कितने लेवल्स है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सर्कुलर नंबर 90 2023 का जो आया है, आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2023। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो जो एजेंडा है पूरे वीडियो का कुछ इस तरीके से है। पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, लेवल्स और स्टेजेस जो चैलेंज का है वो, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एरियाज ऑफ असेसमेंट कौन कौन से रहेंगे, टेस्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, प्रोसेस एंड कंडक्शन किस तरीके से होगा, फीस के बारे में वो तो ऊपर ही मैं बता देने वाला हूं, और रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल्स प्रमोटिंग द चैलेंज, और जो स्कूल्स इस चैलेंज को कर रहे हैं प्रमोट उनके लिए क्या होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ अपना ग्रोथ या तो डेवलपमेंट अगर चाइल्ड को चाहिए तो उसके लिए मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और जो भी हमारी जरूरतें हैं डेली लाइफ में तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स। तो ऐसी कॉम्पिटेंसीज जो भी है उसको प्रमोट करने के लिए और स्टूडेंट्स को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे मैथ्स में कि जॉयफुल असेसमेंट हो, तो ऐसा AGC आर्यभट्ट गणित चैलेंज CBSE के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो इसके जरिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और एकेडेमिक सक्सेस स्टूडेंट्स के अंदर आता है। मेनली फोकस इसका रहता है कि भाई मैथमेटिक्स किस तरीके से डेली लाइफ में अप्लाई हो, तो उसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाते हैं, और जो फीडबैक और परफॉर्मेंस जो मिला है टेस्ट के बारे में तो वो बोर्ड को भी हेल्प करता है और स्कूल्स को भी हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को भी ओवरऑल हेल्प करता है अपनी लाइफ में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका। तो लेवल्स और स्टेजेस इसके क्या रहेंगे वो देखते हैं। तो देयर आर टू लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2, तो सिर्फ दो लेवल है इसके। लेवल 1 की अगर बात करें तो लेवल्स इस तरीके से होंगे, कंडक्टेड बाय स्कूल, जो लेवल 1 है वो स्कूल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड बाय CBSE, उसका जो पेपर है वो CBSE के द्वारा पोर्टल के ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ओपन होगा आपको मैसेज या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंडक्ट द एग्जामिनेशन, उसके बाद पेपर लेने के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट कीजिए, और उसके बाद नेशनल लेवल कंडक्शन और कॉम्पिटिशन जो होता है वो CBSE के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो CBSE स्टूडेंट जो भी है, जो भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स है उसके क्लास 8 to 10 के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Top 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल रजिस्टर फॉर द फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज के लिए हर स्कूल से Top 3 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो जो भी टेस्ट कंडक्ट हो गया उसमें से आपको Top 3 निकालना है और उसके आधार पर ही होगा। तो एरिया ऑफ असेसमेंट क्या रहने वाला है उसके बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सेंस एंड नंबर सिस्टम, तो वो कंटेंट रहेगा कि नंबर सेंस और नंबर सिस्टम के ऊपर से एलजिब्रा रहेगा कंटेंट। उसके बाद है मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड स्पेशल सेंस, डेटा एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये कुछ कंटेंट है। कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रेटेजिक अप्रोच, विजुअलाइजेशन एंड मैथमेटाइजेशन, क्रिएटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये एरियाज ऑफ असेसमेंट रहेंगे। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 1 आवर का ड्यूरेशन होने वाला है। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, MCQ क्वेश्चंस। टोटल वेटेज 40 मार्क्स का रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल प्रमोटिंग द चैलेंज, तो ये आप चैलेंज करेंगे तो उसके बाद क्या क्या रिकॉग्निशन मिलने वाला है। तो 10 स्कूल फ्रॉम ईच रीजन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन फर्स्ट सेल विल बी गिवन एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, तो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। स्कूल में एनकरेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन आर्यभट्ट गणित चैलेंज, तो वो कर सकते हैं। अवेल द अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर मैथमेटिकल स्किल्स ऑफ एंड पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस इन दिस चैलेंज में ऑल्सो भी एक्नॉलेज, तो ये एक्नॉलेज किया जाएगा। इसके जो डेट्स वगैरह है उसकी अगर बात करेंगे तो डेट्स वगैरह इसमें दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से डेट पे क्या होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, और जो फीस की बात है वो भी कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो डेट्स देखिए, ये जो है फर्स्ट स्टेज इसका जो है वो फर्स्ट स्टेज 25 अगस्त से शुरू किया जाएगा।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 21 अगस्त टिल 5:30 PM तक आपको रजिस्टर करना है। इसमें कोई फीस नहीं रहेगा, जो स्कूल लेवल का फर्स्ट स्टेज का होगा उसके लिए। तो 25 अगस्त से 5:30 PM तक आप कर सकते हैं, अगस्त तक कर सकते हैं, और 28 अगस्त से 5 सितंबर तक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे, तो आप कर सकते हैं। पर स्टूडेंट यहाँ पे जो भी टॉप 3 क्वालिफाई होंगे तो उनके लिए ऑनलाइन फीस पे करके ₹900 होंगे। 15 सितंबर से 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट्स है स्टेज वन के लिए। स्टेज टू की अगर बात करेंगे तो स्टेज टू में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड, टॉप 3 स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा, 3 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। ये डेट फिक्स है और हर स्कूल को इसका लिंक वगैरह जो भी होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। 3 अक्टूबर तक इसको कर लेना है, तो 3 अक्टूबर को ये अवेलेबल हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद 6 to 8 के जो भी स्टूडेंट, 8 to 10 के जो भी स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे सारी मॉडलिटीज और कंडक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉरवर्ड किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। तो ये यहाँ पे रहेगा सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज के लिए डेट्स वगैरह। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स के पास, जो भी क्लास 6 to 8 सभी स्टूडेंट्स क्लास 8 to 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चैलेंज है ये, और अच्छा चैलेंज है, कुछ अच्छी चीजें सीखने को भी मिलेगी। तो जरूर आप अगर 8 to 10 के स्टूडेंट्स को जानते हैं तो उन तक पहुंचाइए, और अगर आप खुद 8 to 10 के स्टूडेंट हैं तो पार्टिसिपेट कीजिए अपने स्कूल में बात करके, और स्कूल्स को भी यहाँ पे एनकरेज करना है सभी स्टूडेंट्स को कि पार्टिसिपेट करें। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए अपडेट के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।